आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपना जीवन खत्म करने का सोच लिया था, लेकिन आज वो पद्मश्री पुरस्कृत है और बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। गरीब परिवार में जन्मी कल्पना सरोज की शादी मात्र 12 साल की उम्र में मुंबई के एक परिवार में हो गई थी। ससुराल में दुर्व्यवहार के चलते कल्पना ने अपने पति को छोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें समाज के काफी सारे ताने सुनने पड़े। इन्हीं तानों से तंग होकर कल्पना ने जहर खा लिया, पर किस्मत से उनकी जान बच गई और उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने जिंदगी की नई शुरुआत करेंगी। जिसके बाद वे मुंबई आई और उन्होंने एक फैक्ट्री में मात्र 60 रुपए महीने की सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी ने उनकी परीक्षा फिर एक बार ली जब उनकी बहन की मृत्यु एक बीमारी से सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास उनके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब कल्पना ने ठान लिया था कि उन्हें इस पैसों की समस्या को जड़ से खत्म करना है, और फिर उन्होंने 50,000 रुपए कर्ज लेकर अपना बिजनेस शुरू करा। और साथ ही उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स के लिए कोर्ट में केस भी लड़ा, जिसके फल स्वरूप उन्हें कमानी ट्यूब्स की मालकिन बनने का मौका मिला। और 2 रुपए से शुरू करने वाली कल्पना आज 2,000 करोड़ की कंपनी कमानी ट्यूब्स की मालकिन है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।